आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदी मक्खम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती, और आजम खान खांस भी दे तो हो जाए बदनाम। जी हाँ, कल पार्लियामेंट में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां आजम खान रमा देवी की बातचीत ने एक तूल पकड़ लिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई, क्योंकि आजम खान का दबदबा इतना है कि जब जय श्री राम के नारे से संसद गूंज रही थी और आजम खान के खड़े होते ही पूरी संसद खामोश हो गई, ये देखने वाली बात थी। और आजम खान क्या शख्सियत है ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप में जानती है, क्योंकि जितना भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अकेले वहां पर खड़े हुए हैं और एक तरफ आजम खान खड़े होते हैं तो यकीनन जो विपक्ष के भी लोग होते हैं आजम खान की बातों को सुनना पड़ता है। और जहां तीन तलाक जैसे बिल पर कल बड़ी बहस होनी थी, आजम खान को लोग सुनना चाहते थे, आजम खान का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके सियासत के फेर का ऐसा खेल खेला कि संसद से आजम खान को बाहर जाना पड़ा। और जिस तरीके की बदतमीजी पर भारतीय जनता पार्टी उतारू हो चुकी है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये किसी का लिहाज करने वाले नहीं है, चाहे अपने खुद के सांसद हो चाहे ये विपक्ष के सांसद की बात करें, तो विपक्ष के सांसदों को ये कुछ अब समझने को तैयार नहीं है। सिर्फ नाम अगर आजम खान है तो विवाद बना दो और विवाद इतना खड़ा कर दो कि वो जो तीन तलाक पर कहना चाहते थे वो कोई सुन ना पाए। कुछ ऐसा ही हुआ है कल से लेकर के और आज भी इसी तरीके की कार्रवाई को लेकर के आजम खान और रमा देवी के बीच जो नोकझोंक हुई उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने विवाद खड़ा कर दिया है। और उस विवाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी कूद चुके हैं, क्योंकि जब स्पीकर ने ये कहा कि सभी का हम बयान जानना चाहते हैं कि आजम खान और रमा देवी की जो नोकझोंक हुई उसमें लोगों का क्या कहना है, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम आया तो आप ही सुनिए कि आजम खान के बारे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने जज्बात और एहसास से हमको वाकिफ कराया, मैं इसका एहतराम करता हूं, इसकी इज्जत करता हूं, और यकीनन इस ऐवान की बुलंदी के लिए, इस ऐवान की पाकिजगी के लिए, इस ऐवान के उस उसूलों पर चलने के लिए बहुत जरूरी है कि इस ऐवान को उस ऐवान के खवानीन के तहत चलाया जाना चाहिए जिसमें हर रुकन की इज्जत का एहतराम होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है स्पीकर साहब कि आप यकीनन फैसला लीजिए और पूरी रुदाद आपके सामने है। यहां पर तमाम हमारे काबिल ख्वातीन अराकीन ने अपने एहसास से वाकिफ कराया, मैं भी उनके साथ हूं, मगर मैं आपके जरिए से हुकूमत से एक बात कहना चाहूंगा कि आपके रूलिंग पार्टी में एमजे अकबर के ताल्लुक से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीट इवेंट बनाया गया, कहां गए उसकी रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपने आजम खान पर कार्रवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी की मांग पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सुना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर ये कहा कि अगर अमर्यादित आजम खान की भाषा लगती है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो सदन के उन लोगों के साथ हैं जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पर मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, एमजे अकबर की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? एमजे अकबर का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी इस तरह तिलमिला गई कि जैसे मानो पूरी भाजपा को साफ सुन गया हो, और फिर हताश भाजपाई एक दूसरे की शक्ल देखते हुए नजर आए, क्योंकि जो बात
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आजम खान के लिए कह दी थी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ आजम खान को टारगेट करती हुई नजर आई। पहले देखिए ये रिपोर्ट के कल क्या कुछ घटा था पार्लियामेंट में। बीजेपी सांसद रमा देवी पर आजम खान के बयान पर लोकसभा में आज फिर हंगामा हुआ। बीजेपी की तरफ से आजम खान को निलंबित करने की मांग उठी है। आजम खान के खिलाफ सभी दल एक सुर में बोल रहे हैं। एक खबर के अनुसार कांग्रेस ने भी आजम खान के बयान पर कहा कि महिलाओं के अपमान का विरोध करते हैं। इस बीच AIMIM नेता और सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने स्पीकर से आजम खान पर फैसला लेने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी से पूछा है कि MJ अकबर की जांच रिपोर्ट कहाँ है। ओवैसी ने कहा कि हर सदस्य की इज्जत का ख्याल रखा जाना चाहिए, आप यकीनन फैसला लीजिए और तमाम ख्वातिनों ने इस पर अपनी बात रखी है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने MJ अकबर पर क्या किया। ओवैसी ने कहा, मैं सदन के सदस्यों की बात से सहमत हूँ, मैं सभी के जज्बातों का एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। सदन की बेहतरी के लिए ये जरूरी है कि इसे एक नियम के मुताबिक चलाया जाना चाहिए जिसमें सभी की इज्जत बरकरार रहे। ओवैसी ने स्पीकर से कहा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जरूर इस मसले पर फैसला लीजिए, यहाँ मौजूद सभी सांसद आपके साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपके सत्ताधारी पार्टी के MJ अकबर से संबंधित मामले में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ गई। आपको बता दें कि लोकसभा में 3 तलाक बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से जब रामपुर से सांसद आजम खान बोलने खड़े हुए तो बवाल हो गया। आजम खान ने अपनी बात की शुरुआत एक शेर से की, तो इधर उधर की बात ना कर। लेकिन इसके बाद जो आजम खान ने कहा उस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हंगामा शुरू हो गया। जिस वक्त आजम खान बोल रहे थे तब स्पीकर की कुर्सी पर भाजपा सांसद रमा देवी बैठी हुई थी। आजम खान ने लोकसभा आसन पर बैठी भाजपा सांसद रमा देवी को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद रमा देवी ने आजम खान के शब्दों को सांसद की कार्रवाई से हटने का आदेश दिया। मामले के तूल पकड़े जाने के बाद आजम खान ने बाद में कहा कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा बोला हो तो सदन की कार्रवाई के लिए गलत हो, वह इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इतना कहने के बाद आजम खान सदन छोड़कर चले गए। आजम खान ने कहा था कि तू इधर उधर की बात ना कर। रमा देवी बोली, आप भी इधर उधर मत देखिए, चेयर को देखकर बात रखिए। और फिर बाद में आजम खान ने जो कहा उस पर हंगामा हो गया। आजम खान के कथन पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, अर्जुन मेघवाल समेत भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने विरोध किया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजम खान को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का लंबा अनुभव है, ऐसे में उन्हें तुरंत इस पर माफी मांगनी चाहिए। आजम खान के बयान पर विवाद हुआ तो उनकी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उनके बचाव में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आजम खान ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिससे पीठ की गरिमा को ठेस पहुंचा हो। इस दौरान अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बीच तीखी बहस हो गई। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आजम खान के बयान में कुछ भी गलत लगे तो आप उसे संसद की कार्रवाई से निकाल दीजिए। दोस्तों, आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा आजम खान और रमा देवी के विवाद को लेकर के, और उसके बाद जो आजम खान ने कहा उस बारे में भी आप लोगों ने जाना कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बदतमीजी पर उतारू हो गई है और सिर्फ नाम देख करके बदनाम करने की कोशिश मुस्लिम सांसदों को की जा रही है, और जब उन्हीं के नेता महिलाओं के साथ बदसुल्की करते हुए नजर आते हैं, जब उन्हीं के चुने हुए नेता जो बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों में
लिप्त होते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कोई नहीं करता। और जब उन्हीं के विधायक पानी मांगने जाने वाली महिला जाती है विधायक के पास, तो उनके दबंग नेताजी गुंडों के साथ महिलाओं को सड़कों पर पीटते हुए नजर आते हैं, पर वहां भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई की मांग नहीं करती, ना ही एमजी अकबर जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करती है, और ना ही क्या कार्रवाई की गई है ये बताने की कोशिश करती है, सिर्फ करती है। तो आजम खान को लेकर के जिस तरह बदनाम करने की साजिश और जो हथकंडा भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया है वे बेहद ही अफसोसनाक और दुखद है, क्योंकि तीन तलाक जैसे मुद्दे पर जो भाजपा चाहती थी वही हुआ और आजम खान भारतीय जनता पार्टी के इस फेर में फंसते हुए नजर आए। और जिस तरह आजम खान को लेकर के एक राजनीतिक रोटी सेकने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं अब कटघरे में आकर के खड़ा हो गया है। और उसी के साथ साथ गोदी मीडिया के तो क्या ही कहने, आजम खान का नाम सुनते ही इस कदर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके बात करने लगते हैं कि सारे कसूरवार सिर्फ आजम खान हैं। उधर से उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कभी गोदी मीडिया के एंकरों की तरफ से नहीं की जा सकती, भले ही वो इन बातों के ऊपर ध्यान दे या ना दे, हम हर बातों की जड़ तक आपको यूं ही लेकर जाते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।